शामिल असेंबली जामबाग डिवीजन में इस तरह से एग्जीबिशन में रात के वक्त कुछ गैर धर्म के लोग आकर यहाँ पर माँ शेरावाली की मूर्ति को उसके हाथ को तोड़ने का काम किया गया, जिसमें पिछले कई दिनों से हैदराबाद शहर में हम देख रहे हैं कि हिंदुओं के मंदिरों को और हिंदू बहनों को रोड पे अगर फिरते लेके जाते तो गैर धर्म के लोग पकड़ रहे और मार रहे। और आज हम देख रहे हैं कि जैसा चंगीचरला एरिया हो या आज एग्जीबिशन जो कि जामबाग डिवीजन में मेरे घर के पास ही आता है, ऐसी इनकी इतनी हिम्मत कैसा हो रही है कि कोशामेल जैसे हिंदुत्व के इस क्षेत्र में लोग घर में घुसकर माँ शेरावाली जैसे मूर्ति को मंदिरों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। अब ये बात बर्दाश्त के बाहर हो रही है। अब इतने दिनों के बाद खामोश 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 होते जा रहे, लेकिन मेरा ये पुलिस डिपार्टमेंट से सवाल है कि आप बार बार ये बोल रहे कि एक बार बोल रहे पागल है मेंटल है आके तोड़ गया। एक जगह पागल हो सकता है, दो जगह मेंटल हो सकता है, लेकिन आज क्या बोल रहे गांजा पीने वाला है। अरे गांजा पीने वाले क्या हमारे पास नहीं है? क्या मेंटल हमारे पास नहीं है? क्या पागल हमारे पास नहीं है? फिर हमारे पागल हमारे मेंटल दूसरे लोगों के पास जाकर क्यों उनको नहीं मार रहे, क्यों उनको नहीं तोड़ रहे, क्यों हमारे लोग नहीं मिल रहे, क्यों उनके लोग मिल रहे? ये तमाम चीजें अब नोटिस करने वाली है। शहर के माहौल को खराब करने वाला काम ये कांग्रेस गवर्नमेंट के तरफ से हो रही है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जब से मुख्यमंत्री बने तब से हैदराबाद में कहीं ना कहीं कम्युनल होना और असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग हिंदू धर्म की बात करते सेक्युलरिज्म की बात करते क्या उसके मुंह को सांप काटा, क्या एमआईएम पार्टी मर गई? मैं ये सवाल उनसे पूछना चाहता हूँ। इतने मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, इतने लोगों को छेड़ा जा रहा है, क्यों अब तक इनका जवाब नहीं आ रहा? अब ये बर्दाश्त होने वाली बात नहीं। मैं पुलिस डिपार्टमेंट से कहना चाहता हूँ अगर ऐसी पागल अगर रोड पे मंदिरों को तोड़ने को मिलेंगे फिर हम भी पागल बनेंगे, फिर हम कहाँ कहाँ जाते, फिर इसका जवाब भी कोई नहीं दे सकता। ये कान खोलकर सुनने की जरूरत है। भारत माता की जय। जय श्री राम।